चलो साइक्लिक कोऑर्डिनेटल थ्योरम की हम लोग बेस भी दिखेंगे और उसका थ्योरम भी बता रहा हूँ, प्रूफ करके भी बता रहा हूँ। यानी ये टॉपिक के अंदर हम लोग उसकी बेस भी देखेंगे और थ्योरम भी देखेंगे, हाउ टू प्रूफ। देखो, एवरी ट्राइंगल हैज इट नेम, एवरी थ्योरम हैज इट्स नेम। ये जो थ्योरम है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटल आर सप्लीमेंट्री, इसका नाम है साइक्लिक कोऑर्डिनेटल थ्योरम। द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटल आर सप्लीमेंट्री, इसका नाम क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटल थ्योरम। तो तुम लोग एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर बनाएंगे कोऑर्डिनेटल ए बी सी डी, समझ आए? तो ये जो कोऑर्डिनेटल ए बी सी डी ना, उसका वर्टेक्स ए बी सी डी, ये किसको टच कर रहा है? सर्कल को। तो ये कोऑर्डिनेटल क्या हो जाएगा मालूम? साइक्लिक कोऑर्डिनेटल, बेसिक चीज है। ये कोऑर्डिनेटल क्या हो जाएगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेटल। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है कहां पे? ऑन द सर्कल। ये कोऑर्डिनेटल का वर्टेक्स क्या है? ऑन द सर्कल। तो देखो, कोऑर्डिनेटल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। जरूरी नहीं है कि तुम लोग कोऑर्डिनेटल लिख के बताओ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटल, इधर कोऑर्डिनेटल वर्ड सिंबल आ चुका है, कोऑर्डिनेटल ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो ये क्या बता रहा है? अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटल आर सप्लीमेंट्री। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर? ये एक वन पेयर और ये टू पेयर। तो अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? 180 डिग्री। तो अपोजिट पेयर, अपोजिट एंगल, एंगल ए प्लस ए का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटल आर सप्लीमेंट्री, ये लिखने से अच्छा तुम लोग ये लिखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटल थ्योरम। क्या लिखेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो कभी भी याद रखना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटल दिखा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटल किसको बोलते हैं? वो कोऑर्डिनेटल जिसके वर्टेक्स इसको टच करते हैं सर्कल को, तो उसके अपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ये मैंने थ्योरम का बेस एक्सप्लेन करा, अभी मैं थ्योरम को कैसे प्रूफ करते वो बता रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिख के रख चुका हूं, यहां पे देखो, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटल आर सप्लीमेंट्री। ये तुम लोग को क्वेश्चन में देंगे, या तो ये देंगे, सॉरी ये नहीं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटल थ्योरम देंगे और ये स्टेटमेंट लिखे देंगे, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। तो इसके अंदर तुम लोग पहले फिगर बनाएंगे, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है? कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर की जो वर्टाइसिस है, चारों के चारों वर्टाइसिस कहां किसको टच करी? सर्कल को। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले तुम लोग बताएंगे गिवन, गिवन में बोल दो कि उन्होंने क्वेश्चन में बोले ना अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, उन्होंने बोल दिया ये कोऑर्डिनेटर कौन है? साइक्लिक। क्वेश्चन में लिखे बोलेंगे कोऑर्डिनेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, इतना लिख दे बस है। द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, टू प्रूव अपोजिट एंगल। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर? टू, एक ए एंड डी, ए एंड सी और एक बी एंड डी, इन लोग को मिलकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी। ये फर्स्ट है, मैं तो वन लिख के बता रहा हूं, फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए मिलकर? 180 डिग्री। सेकेंड एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी मिलकर कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये टू प्रूव है, प्रूफ, प्रूफ। एंगल ए, ये ए है ना, बी ए डी, बी ए, एंगल बी ए डी भी लिख सकते हो तुम लोग, तुम डी ए बी भी लिख सकते, एंगल ए भी लिख सकते, मैंने एंगल ए लिखा हूं,
पहले ये एंगल को लो ए, फिर बाद में किसको लो सी, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो बाद में सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पहले ए को ले रहा हूं, ए कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल ए कौन है, इंस्क्राइब्ड एंगल, वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल एंड बोथ द आर्म्स आर सीकेंट। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बताता है कि एंगल ए, एंगल एक अल्फाबेट का भी रहता है, तीन अल्फाबेट का भी रहता है, एंगल ए इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, ए का इंटरसेप्टेड आर्क कौन है, बी सी डी, इज हाफ ऑफ मेजर आर्क बी सी डी, इज हाफ ऑफ मेजर आर्क बी सी डी, समझ है? ये हुआ। उसी तरीके से ए करे, अभी तुम किसको करेंगे, सी को, सी बी कौन है, इंस्क्राइब्ड एंगल, सी बी कौन है, इंस्क्राइब्ड एंगल, क्यों इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल सी का वर्टेक्स किधर है, ऑन द सर्कल, सी बी एंड सी डी बोथ आर द सीकेंट, दोनों आर्म क्या है, सीकेंट, तो इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, सी के सामने वाली आर्क कौन है, बी ए डी, मेजर आर्क बी ए डी, समझ आ गया, बी ए डी, इसको दो इक्वेशन नंबर वन, इसको दो इक्वेशन नंबर टू, और दोनों के लिए एक ही रीजन लिखो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो मैं तो लिख के बता रहा हूं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, समझ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी इन लोग ने क्या करे, ए और सी को प्लस करे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को प्लस करेंगे, एंगल ए की इक्वेशन कौन सी, वन, और एंगल सी की इक्वेशन कौन है, टू, एंगल ए और एंगल सी को क्या करेंगे, एड, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ए और सी को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी, इन लोगों को क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा, तो इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, जब प्लस करेंगे तो हाफ कॉमन होने वाला है, एक ही बार लिख दो हाफ, समझ हाफ, ये हाफ हाफ मैंने एक बार लिख दिया, कॉमन कर दिया, क्योंकि दोनों प्लस करें ना, प्लस या माइनस में क्या होता है, कॉमन निकलते, तो ये हाफ मैंने कॉमन लिख दिया, ब्रैकेट, अब इन लोगों को क्या कर दूंगा, प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे, मेजर आर्क बी सी डी प्लस मेजर आर्क बी ए डी, आगे समझे, बी ए डी, इन लोग का रीजन मैंने इधर लिख दिया, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट यानी क्या, मल्टीप्लाई, मेजर आर्क बी सी डी प्लस मेजर आर्क बी ए डी, मेजर आर्क बी सी डी प्लस मेजर आर्क बी ए डी, बी सी डी आर्क और बी ए डी आर्क मिलके क्या बन रहा है, सर्कल, क्या बन रहा है, सर्कल, और पूरा सर्कल कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, है ना, टू वन जर टू, टू वन जर टू वन कैरी, टू एट जर 16 जीरो, मेजर एंगल, सॉरी एंगल ए, मैंने मेजर नहीं लिखा ना, तो मैं तुम लोग भी मतलब, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहला पार्ट हो गया, अपोजिट एंगल मिलके बन गया 180 डिग्री, अभी ये भी सॉल्व करके बताने का है। तो सिमिलरली तुम लोग ऐसा कर सकते हैं, सॉल्व करके बताना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम तीन चार मार्क की आती है, तुम लोग सिमिलरली एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री मत करो, मैं चाहो तो इसको भी इंस्क्राइब एंगल से कर सकता हूं, एंगल बी इंस्क्राइब एंगल है और इन लोग के कॉमन आर्म ए बी और बी सी है एंड वर्टेक्स यहां पे ऑन द सर्कल, एंगल डी इंस्क्राइब एंगल है, इसके दोनों आर्म कौन है, सीकेंट और वर्टेक्स है ऑन द सर्कल, तो एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी सी और एंगल बी का, एंगल बी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी सी, लेकिन इससे और इजी बता रहा हूं, इससे और इजी बता रहा हूं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर थ्री, इसको दे दो इक्वेशन नंबर थ्री, पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के सब एंगल मिलकर कितने बनते हैं, 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल मिलकर क्या बनते हैं, 360 डिग्री, तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल,
तुम्हारे को मालूम है ए प्लस सी की वैल्यू कितनी 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। तो इन लोग को तुम लोग अरेंज करेंगे साइड में, लाइन बाय लाइन अरेंज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी है ना, इन लोग को मैंने एक साथ लिखा, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी और डी तो फाइंड करने का कितना 180, ये तो 360 का 360। अभी एंगल ए प्लस एंगल सी हटा के क्या लिखूंगा 180, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी 180 प्लस, मैं चाहूँ तो नेक्स्ट पेज पे कर सकता था लेकिन तुम लोग को डिफिकल्टीज ने, इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूँ 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ए प्लस सी हटा के 180 लिखे, ये कहाँ, ये इक्वेशन नंबर कितनी 3, तो इधर लिखे बताएंगे फ्रॉम 3, ये सेम पार्ट जो लिखा हुआ मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के बता रहा हूँ, 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ये बी है दिख रहा है ना, ये बी है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, प्लस 180 इधर जाएगा तो माइनस 180, एंगल बी प्लस एंगल डी 360 माइनस 180 180 डिग्री, समझ रहे, यानी तुमने एंगल ए प्लस सी 180 लेकर आए जो कि अपोजिट पैर ऑफ एंगल है, एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी क्या है, दूसरा अपोजिट पैर ऑफ एंगल, हैंस प्रूफ। तो तुम लोग ये लिख के स्टेटमेंट बता देने का आखिरी में, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, आखिरी में लिख के बता दो, हैंस प्रूफ लिखो या तो ये लिखो, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मैंने थ्योरम का बेसिक भी बता दिया और ये थ्योरम कैसे प्रूफ करने का वो भी बता दिया, एक तुम लोग सॉल्व करेंगे इंस्क्राइब एंगल की मदद से, नेक्स्ट फिर क्वाड्रिलेटरल की मदद से करेंगे, किसी मदद से सॉल्व करेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल मिलकर कितने बनते हैं 360 डिग्री।